मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सोमवार को सीएम शिवराज ने कोरोना की समीक्षा बैठक की और तीसरी लहर को लेकर चर्चा की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश में 26 मामले सामने आए हैं, जबकि 49 लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं। संक्रमण दर भी तेजी से घट रही है। वहीं डॉक्टर मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि वे दिल्ली चले गए हैं, उन्हें बस आराम करना है। कमलनाथ जो भी सलाह देंगे वो ट्वीट करके ही देंगे। आराम ही करना है, वो तो विश्राम की मुद्रा में ही है, और जो भी सलाह देना है वो ट्वीट पे ही देंगे। तीसरी लहर की चिंता वो इतनी करते हैं, अस्पताल तो जाएंगे नहीं, किसी गरीब को खाद्यान्न बांटने जाएंगे नहीं, इसलिए उनकी चिंता से हम अवगत हुए। विश्व बंधु जी ने अभी कहा है दिग्विजय सिंह जी के बारे में, पर उमंग सिंगार जी ने तो बहुत पहले कह दिया था, उन्होंने तो पूरी बात बता दी थी, खदान माफिया, पर्दे के पीछे से सरकार, शराब माफिया, सब बोला था। और अचंभा यह है कि वो दोनों में से किसी ने खंडन नहीं किया आज तक बोलने तक। कमलनाथ जी ने भी 1.5 साल पहले बोला था कि मेरी सरकार इनके कारण गिरी है, अब विश्वबंधु जी बोल रहे हैं। पहले हम कहते थे तो लोग मानते नहीं थे, अब पूरी कांग्रेस कहने लगी है, अब तो मान जाए सोनिया जी। कमलनाथ जी दिल्ली गए, वहीं चले जाएं,